हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर एट नाइन एंड टेन क्वेश्चन नंबर इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस ललिता रीड टू अपॉइंट फाइव ऑफ द सेम बुक रीड लेस इला 25 पेजेस पढ़ती है इला एक बुक के जिसमें कि हंड्रेड पेजेस है उसके ट्वेंटी फाइव पेजेस रीड करती है ललिता उसी बुक के टू अपॉन फाइव पेजेस को रीड करती है सबसे पहले देखेंगे कि ललिता कितने पेजेस को रीड कर रही है ललिता रीड टू अपॉन फाइव ऑफ द सेम बुक एक बुक में हंड्रेड पेजेस है तो इन टू हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि सेम बुक है अब इसको सिंपलीफाई कर लेंगे 5 बन गया 5 5 से 5 टू ज 10 100 को 5 से डिवाइड किया यहाँ पर 20 आ गया 2 20 40 पेजेस ईला यहां पर पे 25 पेजेस कर रही है और ललिता 40 पेजेस कर रही है तो इसमें कौन सा लेस कर रहा है इसमें पूछा है हु रीड लेस कि सबसे कम कौन रीड कर रहा है तो इसमें सबसे कम कर रही है ईला आंसर लिख देंगे इला हैज रीड लेस इला हैज रीड लेस तो ये आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन रफिक एक्सरसाइज फोर थ्री अपॉइंट सिक्स ऑफ एन आर वेली रोहित एक्सरसाइज फोर थ्री अपॉन फोर ऑफ एन आर हू एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम इस क्वेश्चन में रफिक वन आर का थ्री अपॉन सिक्स टाइम्स एक्सरसाइज कर रहा है और जबकि रोहित वन आर का थ्री अपॉन फोर टाइम्स एक्सरसाइज कर रहा है और इसमें बताना है कि सबसे ज्यादा कौन एक्सरसाइज कर रहा है स्टेटमेंट लिखेंगे रफिक एक्सरसाइज फोर थ्री अपॉन सिक्स ऑफ एन आर रोहित एक्सरसाइज फोर थ्री अपॉन फोर ऑफ एन आर सिक्स एंड फोर का एलसीएम लेंगे एलसीएम ऑफ सिक्स एंड फोर यहां पर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे सेम करने के लिए इसमें एलसीएम लेंगे फोर एंड सिक्स का टू से टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स फिर टू से टू वन जा करेंगे थ्री वन जा थ्री तो ऐसे हम आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल थ्री टू जै सिक्स सिक्स टू जै ट्वेल्व अब रफिक करेंगे लेंगे थ्री अपॉन सिक्स इसको डिनोमिनेटर के इक्वल करेंगे सिक्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि ट्वेल आ जाए टू से टू से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर में थ्री टू जै सिक्स इसी टाइप से थ्री अपॉन फोर डिनोमिनेटर को ट्वेल्व लिखेंगे फोर थ्री जै ट्वेल्व थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में और थ्री थीज नाइन यहाँ कंपेयर करेंगे सिक्स अपॉन्ट ट्वेल्व है एंड नाइन अपॉन्ट ट्वेल्व है तो कौन सा ग्रेटर है नाइन अपॉन्ट ट्वेल्व है नाइन अपॉन्ट ट्वेल्व कौन एक्सरसाइज कर रहा है रोहित तो यहाँ देंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम आंसर लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम रोहित रफिक से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इन ए क्लास ए ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट ट्वेंटी पास इन फर्स्ट क्लास इन इनदर क्लास बी ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स, ट्वेंटी फोर पास इन फर्स्ट क्लास इन विच क्लास वाज़ ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास क्लास ए में टोटल स्टूडेंट ट्वेंटी फाइव है जिसमें से ट्वेंटी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास से पास आउट किया यानी फर्स्ट क्लास का मतलब है सिक्सटी परसेंट या इससे ज्यादा मोर देन इसी टाइप से क्लास बी में टोटल स्टूडेंट है थर्टी और ट्वेंटी फोर स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास में पास आउट हुआ है ट्वेंटी फोर स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास में पास किया है तो फर्स्ट क्लास का मतलब होता है सिक्सटी परसेंट या मोर देन अब क्लास ए का भी फ्रैक्शन निकालेंगे और क्लास बी का तो स्टेटमेंट लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए क्लास ए में ट्वेंटी स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास से पास आउट हुए हैं तो ट्वेंटी टोटल स्टूडेंट कितने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव इसको लोअर स्टर्म में चेंज करेंगे ये फाइव से डिविजिबल है ट्वेंटी को फाइव से डिवाइड करेंगे और ट्वेंटी फाइव को भी फाइव से डिवाइड करेंगे सेम नंबर से नोमिनेटर में डिवाइड करते हैं फाइव फोर जेट ट्वेंटी फाइव फाइव जेट ट्वेंटी फाइव आंसर से क्लास बी के लिए निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी इज इक्वल यहाँ पर ट्वेंटी फोर स्टूडेंट ने फर्स्ट क्लास से पास आउट हुए हैं और टोटल स्टूडेंट है थर्टी ये सिक्स डिविजिबल हो जाएंगे सिक्स से डिवाइड कर देंगे नुम्नितर नुम्नितर में, थर्टी फोर अपॉन फाइव यहाँ पे देख रहे हैं सेम फ्रैक्शन आया है तो आंसर लिख देंगे सेम फ्रैक्शन फोर अपॉन फाइव आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे